आपको शक है कि हम आपकी रिश्तेदारी के लायक ना है? अरे क्या चाहती हो आप, बताओ हमारे को क्या करूं, आखिर चाहती क्या हो आप? कुछ मत कीजिए प्लीज, प्लीज हमें 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 किसी बात का बुरा नहीं लगा है, आप शांत हो जाइए प्लीज प्लीज। दादाजी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। और मैं देख रही हूँ अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है, और वो आ रहा है 11 बजे स्टार उत्सव पर। ये देखिए इधर आ रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत ही फेवरेट सीरियल है और बहुत ही अच्छा है। मैं तो रोज इस टाइम देख लेती हूँ एक एपिसोड, और इस तो बहुत ही अच्छा आता है। ये अभी आप देख सकते हैं आ रहा है अभी। थोड़ा सा रुको, आपसे बात करती हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी कहानी इंटरेस्टिंग आ रही है। वो तारा खो गई, अब मुझे लगता है मुझे भी ढूंढना चाहना पड़ेगा। तारा की शादी होने वाली थी, वो कहाँ चली गई? तारा, तारा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टीवी को कंप्यूटर बना रखा है, और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी वीडियो। ये दिखाती हूँ राजस्थानी गुड़ उपार वाली, जो कि मैंने एक दो दिन पहले ही डाली थी। ये देखिए एकता खा रही है गुड़ पारे, वॉल्यूम तेज करती हूँ मैं थोड़ी सी। कभी कभी मैं अपनी खुद की वीडियो देख लेती हूँ बेटे बेटे। राम, और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ राजस्थान की फेमस रेसिपी, और राजस्थान में सभी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है गुड़ पारे और शक्कर पारे। दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा, तो क्या डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आगे है। और ये गुड़ पारे जो होते हैं इसको बना के ऊपर अगर 10-15 दिन या 20 दिन बना के रख सकते हैं, खराब भी नहीं होता आसानी से, और इसको चाय नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं बहुत ही अच्छे खाने में। तो चलिए अपन अब गुड़ पारे बनाते हैं, और सबसे पहले उसके लिए अपन को पानी गर्म करना पड़ेगा, तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे क्या पानी गर्म करना है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स गुड़ पारे बनाने के लिए अपन को सबसे पहले गुड़ का पानी गर्म करना पड़ेगा, तो गुड़ का पानी गर्म कर लेते हैं, और वो मैं गैस पे करूँगी, और बाकी सारा वो बनाने का काम चूल्हे पे करेंगे। तो मैं बता देती हूँ पानी कितने का लिया, ये वाले छोटे लोटे मैंने 4 लोटे डाले इस बड़ी तपेली में, और 5 ही गुड़ की डलिया ली है जिसको मैंने बारीक फोड़ लिया ताकि ये जल्दी से घुल के गर्म हो जाए। इस तरह से मैंने इसको फोड़ के डाल लिया। तो हमारे पास मॉनिटर नहीं था, तो हमने टीवी को एक कंप्यूटर बना लिया, इस पर कनेक्ट कर देते पिन से, तो वो टीवी भी देख लेते, दोनों काम हमारा वीडियो बनाने का दोनों काम हो जाता है। तो बस इस तरह से, और आज मैं टीवी देख रही, बस 11 बज रहे अभी, टीवी देख लेते और ख़त्म हो गया। अब 11:30 ख़त्म हो जाएगा वो, फिर बाकी थोड़ा बहुत काम है जो कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं अब टीवी में आपको मेरी कुछ फ़ोटोज़ है पुरानी, वो दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है, पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं अपन। पहले इस वीडियो को हटाती हूँ, ये देखिए मेरी फोटो, ये शादी की पहले की है। और ये भी ये कंप्यूटराइज से कर रखा है, ऐसी बहुत सारी फोटो को मैंने सजा के रखा है, इसके अंदर सेव करके रखी है। ये मेरी शादी की, ये भी मेरी शादी की है, ये देखिए एकता कितनी मासूम लग रही है इसमें। उस टाइम में थोड़ी सी काली, बस इस तरह से बहुत सारी फोटो है, और दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मेरी तब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तब की है ये वाली फोटो। वो दिखाते हो आपको जब मैं मूवी देखने गई थी, वो वाले दिखाते हो।
तो ये टोटल धमाल मूवी देखने गई थी तब की फोटो है जिसको मैंने यादगार की तरह सेव करके रखा है, कभी बुढ़ापे में देखेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अच्छे से वीडियो मिलेंगे। राम राम सा, बाय बाय।